नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिकल अपडेट पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल बैच 2020 और 22 के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमने कुछ ही समय पहले यानी कि 2 दिन पहले जनसुनवाई ऐप पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक भाग नहीं लिया है तो वो सभी शिकायत डालें, क्योंकि आपको पता है UPNHM से वैकेंसी आ गई हैं। और जो भी स्टूडेंट्स 2020 और 22 के हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, यानी कह सकते हैं उनका एग्ज़ाम आपके अक्टूबर में कंडक्ट कराए गए हैं, तो अगर उनका रिजल्ट समय से वैकेंसी निकलने से पहले यानी कि 12 दिसंबर तक नहीं आता है तो वो सभी स्टूडेंट इस वैकेंसी में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि बताया, उस दिन हमने सभी ने शिकायत दर्ज कराई, तो उसके बाद से अब उस पर जनसुनवाई पर आप देखते हैं तो एक नया नोटिफिकेशन ऐड हुआ है। वो नया नोटिफिकेशन क्या है, उसने आपका जो शिकायत है वो एक्सेप्ट कर ली है, आगे क्या प्रोसेस होगा वो हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, ज़रा सब्सक्राइब नहीं करना। फ्रेंड, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि आपको जितने भी अपडेट है पैरामेडिकल से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी। फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आइए आपको पहले देखने के लिए प्रोसेस हमारा जो शिकायत करिए कहाँ तक अग्रसर हुई है। आपको जाना होगा जनसुनवाई ऐप पर। तो फ्रेंड, देख पा रहे होंगे जनसुनवाई ऐप पर हम आ गए हैं, तो नीचे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये, तो इस लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फ्रेंड, जैसे ही क्लिक करते हैं तो फर्स्ट पे आप जनसुनवाई कंप्लेंट, इसी पर आपको ट्रैक कंप्लेंट पर क्लिक कर देना है। फिर इस पर आपको नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में आपको जितनी पुरानी आपने शिकायत दर्ज कराई है वो आपकी आ जाएंगी। जैसे कि आपको 27/11 को हमने ये शिकायत दर्ज कराई है, तो यहाँ पे व्यू स्टेटस पर जाकर आप लास्ट में आप देख पाएंगे व्यू आख्या, तो यहाँ पर आप इसे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे संदर्भ का प्रकार अंतरित हो गया, आदेश देने वाले अधिकारी ऑनलाइन संदर्भ में है, दिनांक हमने 27 को ये आपकी शिकायत दर्ज कराई थी, और अधिकारी को प्रेषित जो हो गई है ये हो गई है महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा परिषद के, वहाँ महा आपके जो अधिकारी हैं उन तक पहुँचा दी गई है। आदेश और आख्या इसमें आप देख पा रहे हो वहाँ से क्या जवाब मिला है। प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रकरण उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ में संबंधित होने के कारण आवश्यक कार्रवाई हेतु ईमेल के माध्यम से प्रसिद्ध किया गया है, स्थिति अभी निस्तारित हो गई है। यानी कि इसके बाद अब क्या है, ये जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण को ये हमारी शिकायत है वो अब एक्सेप्ट हो गई है, वहाँ से अब उन्होंने ईमेल के द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जवाब मांगा है कि ये शिकायत आ रही है तो आखिर क्यों आ रही है, इसका जवाब हर हालत में देना होगा उन्हें। आप समझ सकते हैं 4 से 5 दिन के अंदर फैकल्टी की ओर से ईमेल के द्वारा जवाब मिल जाएगा। जैसे ही जवाब मिलता है तो इस आख्या में आप देख पा रहे होंगे आख्या में आपको नया मिल जाएगा कि फीडबैक देने को सबसे लास्ट में मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट है कब तक आ जाएगा, अभी इस मंथ आएगा या नहीं आएगा, यानी कि कह सकते हैं आपका नवंबर दिसंबर में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और जनवरी तक जाता है तो वो भी आपको इसमें मेंशन होगा, यानी कि जवाब फैकल्टी को देना पड़ेगा, ईमेल के द्वारा बता दिया गया है। फ्रेंड, कोई भी इसमें अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको वीडियो बनाकर आपको अवगत करा देंगे, आपको समय समय बताते रहेंगे अब आपको क्या करना होगा। तो चैनल पर बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।